हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, और जितना आपको कराया गया होगा वो आपने अच्छे से कर लिया होगा। हम लेके आए हैं आज बिजनेस स्टडीज़ का नया वीडियो। इससे पहले अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहीं छोड़ें और चले जाएं पहले वीडियो पे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ या आई बटन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, पहले उसको देख के आएँ फिर इसको कंटिन्यू करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो में हम क्या क्या कवर कराने वाले हैं आपसे वो डिस्कस करेंगे। अगर आप वही ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ें, अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इफ यू लुकिंग फॉर दीज टॉपिक्स, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या डिफरेंस है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में, साथ में कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, और क्या इसके इम्पोर्टेंस और फीचर होते हैं मैनेजमेंट के उसके बारे में चर्चा करेंगे, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो हम आज के इस वीडियो में इतना कवर करने वाले हैं, तो अगर आप इनमें से कुछ ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपने ये कर रखा है तो आप अपना टाइम खराब ना कीजिए, ना हमारा टाइम खराब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चे जी, हम बात करते हैं आज की वीडियो में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में। लास्ट क्लास हमारी यहीं से खत्म हुई थी और हमने आज शुरुआत भी यहीं से करी है। तो बेटा जी, यहां पर लास्ट क्लास में हमने आप लोगों से डिस्कस किया था कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का क्या मीनिंग होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाने के लिए, रिपीट करने के लिए बता देता हूं। सर, आपने बताया था इफेक्टिवनेस का मतलब होता है हमारा एंड रिजल्ट से, यानी कि यहां पर हमारा फोकस होता है कि जो भी हमारा एंड रिजल्ट हमने बनाया था उस एंड रिजल्ट को हम टाइम पर अचीव कर लें। तो हमारा फोकस केवल इतना था, जो भी टारगेट हमने डिसाइड किया है, जो भी टारगेट ऑर्गेनाइजेशन ने रखे हैं, वो सारे टारगेट ऑर्गेनाइजेशन टाइम पर रिसीव कर ले, इतना हमारा ऑब्जेक्टिव था। मैं देख रहा था क्या ऐसा तो नहीं है, ऑडियो ऑन नहीं है, इसलिए मैं इस तरीके से अपने माइक्रोफोन को देख रहा था। घबराइए मत, सब कुछ चालू है। चलिए जी, तो बेटा जी अब बात करते हैं यहाँ पे हम इफेक्टिवनेस के बारे में। आगे देख लेते हैं कुछ लाइन आपके लिए। फिनिशिंग द गिवन टास्क, यानी कि जो भी टास्क आपको दिया गया है इफेक्टिव में, हम बात करते हैं भैया अपना उस टास्क को खत्म कर लीजिए। साथ में इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क। दो बातें यहां पर बोल रहा है, कह रहा है कि जो टास्क आपको दिया गया है वही राइट टास्क आपको खत्म करना है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूं कि हमने मिस्टर ए को कोई एक्स वर्क दिया था, तो मिस्टर ए को वो एक्स वर्क ही करना है, उनको वाई वर्क नहीं करना है। जो काम आपको दिया गया है वही काम आपको करना है, इसी को हम बोलते हैं राइट टास्क। मतलब मैनेजमेंट ने जो काम दिया है उसी को करना है, कोई दूसरा नहीं करना है। इन अदर वर्ड्स इट्स कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। सबसे स्टार्टिंग में आते ही मैंने यही बात की थी कि इसका फोकस होता है एंड रिजल्ट से। बेटा जी इधर लिखा हुआ है एफिशिएंसी, अब बात करते हैं एफिशिएंसी के बारे में। इफेक्टिवनेस में अपन ने आपको यह भी बताया था कि जहां पर बीच में आपको टी मिले, टी मतलब टाइम की बात कर रहे हैं कि आपको काम को टाइम पे खत्म करना है। चलिए जी अब आगे बात कर लेते हैं एफिशिएंसी के बारे में। जी इसका मतलब क्या होता है, तो एफिशिएंसी का मीनिंग होता है डूइंग द टास्क करेक्टली। ये बात ध्यान रख के चलेंगे और ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। यहां पे हमने कहा था आपको राइट टास्क करना है और यहां पे हम बोल रहे हैं टास्क को करेक्टली करना है। इसका मतलब जो टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं उस टास्क को आपको सही तरीके से, सही मेथड से परफॉर्म करना है, इसके बारे में बोल रहा है। चलिए जी ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपकी कॉस्ट कैसी आएगी, मिनिमम कॉस्ट आएगी। अगर बच्चा जी ये नहीं दिख रहा है तो वो लिखा हुआ है वहां पर मिनिमम कॉस्ट पर, यानी कि इधर एक तरफ बात कर रहा था टाइम पे काम खत्म करो और दूसरी तरफ बात कर रहा है मिनिमम कॉस्ट में काम खत्म करो। तो आपको क्या लगता है कि ये वाला जरूरी है या ये वाला जरूरी है? तो बेटा जी दोनों ही जरूरी है, इफेक्टिवनेस भी जरूरी है और एफिशिएंसी भी जरूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन को काम को टाइम पे भी खत्म करना है और कम से कम कॉस्ट में भी खत्म करना है। तो वहां हम बात कर रहे हैं बेटा जी, यहां पर जर्नली हम फोकस करते हैं
इनपुट आउटपुट रेशियो के बारे में। तो इधर अपना फोकस होता है कि हमारा इनपुट और आउटपुट का रेशियो क्या रहेगा। मतलब ये है, हमें बेटा जी कम से कम इनपुट लगाना है और हमें कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, इनपुट हम कम से कम लगाएंगे तभी तो हमारी कॉस्ट कम आएगी। हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर रहे हैं। रिसोर्सेज का ना अंडर यूज करना है ना ओवर यूज करना है। अंडर यूज करेंगे तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ओवर यूज करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा हो सकती है। तो हमें दोनों बातों को ध्यान रखना है। इसीलिए आप एफिशिएंसी में ये भी कोट कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं हम। चलिए जी, और कुछ बातें लिखी हुई हैं। इफ बाय यूजिंग लेस इनपुट रिसोर्सेज आप कम से कम रिसोर्सेज लगाते हैं, दैट इज मनी मटेरियल इक्विपमेंट एंड द पर्सन, मोर बेनिफिट्स आर ड्राइव दैट इज द आउटपुट, देन एफिशिएंसी हैज इंक्रीज्ड। अगर आप कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालते हैं तो उतनी एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होती है, उतनी आपको हम एफिशिएंट मानते हैं या एफिशिएंसी आपकी ज्यादा मानी जाती है। इधर इफेक्टिवनेस, इधर एफिशिएंसी। तो सर एफिशिएंसी इज आल्सो इंक्रीज, ये साथ में तब भी बढ़ जाती है, तब व्हेन फॉर द सेम बेनिफिट और द आउटपुट विद फ्यूअर रिसोर्सेज आर यूज्ड एंड द लेस कॉस्ट आर इनकर्ड। तो सर जी घुमा फिरा के एक ही बात वो अपने से बोल रहा है कि हमें कम से कम कॉस्ट लगानी है, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट की बात कर रहा है, और इधर वो बात कर रहा है काम को टाइम पे खत्म करना है, दैट मींस इनपुट आउटपुट रेशियो की बात इधर हो रही है और यहाँ पर आपको टास्क को खत्म करने की बात हो रही है कि जल्दी से जल्दी टाइम पे टास्क को खत्म करना। चलिए जी, यहाँ पर आपके लिए एक बेहतरीन सा डिफरेंस, इम्पोर्टेंस इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है बेटा जी, बहुत ही काम का अंतर है मेरे हिसाब से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा जी। अगर आपके स्कूल में बोर्ड से पहले एग्जाम होंगे तो ये वहां आपको जरूर दिख जाएगा, या तो ये वहां आपको डिफरेंस की फॉर्म में दिख जाएगा, वरना बेटा जी केस स्टडी में दिख जाएगा, वरना बेटा जी यहाँ से एक आधा MCQ बेस्ड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, जरूर दिखाई देगा आपको। बोर्ड में भी ये 99% दिखाई देगा बेटा जी, और आपके पेपर में तो दिखाई देना ही है जो आपके स्कूल में हो जाएंगे समर वेकेशंस के बाद, जो पेपर होंगे वहां आपको ये दिखाई दे जाएगा। चलिए जी, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा जी, क्या हम इफेक्टिव किसको बोलते हैं और हम एफिशिएंट किसको बोलते हैं। सर वही बात याद रखनी है, बीच में टी यानी कि टाइम पे काम खत्म करना है। तो इधर बात होती है डूइंग राइट थिंग्स, हमें राइट थिंग करनी है या राइट टास्क करना है, पहले भी आपको बताया था वही बातें इधर लिखी हुई हैं। डूइंग थिंक राइटली या डूइंग टास्क राइटली, आपको काम करना ही नहीं है, आपको काम सही तरीके से करना है। यहां पर बोल रहा है बेटा जी सही काम करना है, मींस जो भी आपको दिया गया है वो आपको सही काम करना है। और इधर बोल रहा है बेटा जी सही तरीके से करना है, ठीक है, सही तरीके से करना है, ठीक, वहां बोल रहा है सही काम करना है, इधर बोल रहा है सही तरीके से करना है। डायरेक्शन क्या है, जो काम आपको दिया गया है अगर आप वही काम करेंगे तो दैट मींस दिया हुआ काम खत्म हो जाएगा, जो कि आपका गोल होगा, मैनेजमेंट ने गोल दिया होगा जी ये काम खत्म करके आइए, और आपने वही काम किया तो वही काम आपने खत्म कर दिया तो आपका गोल अचीव हो गया, दैट मींस आपका जो फोकस था आपका एंड रिजल्ट, वो एंड रिजल्ट आपको मिल गया। तो यहां पर हमारा ध्यान रहता है गोल अचीवमेंट की तरफ, डायरेक्शन रहती है हमारी, और इधर डायरेक्शन रहती है हमारी इनपुट आउटपुट रेशियो की तरफ, और यहां मीनिंग रहता है कम इनपुट में हमें कैसा चाहिए ज्यादा, यानी कि मिनिमम इनपुट विद मैक्सिमम आउटपुट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस के अलावा अगर बड़ा क्वेश्चन भी आएगा तो ये भी आप लिखेंगे कि जी मैक्सिमम आउटपुट के चक्कर में और इनपुट को कम करने के चक्कर में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है जनाब। तो सर जी इधर फोकस था एंड रिजल्ट पे, और बेटा जी इधर फोकस है डूइंग द वर्क विद मिनिमम कॉस्ट, की मिनिमम कॉस्ट में आपको करना है। बेटा जी 99% इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसको अच्छे से करके जाएंगे। चलिए जी आगे बात करते हैं अपन लोग कि अब हमारा झगड़ा क्या है।
तो ये हमारा स्टार्ट हो जाता है कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। बेटा फिर बोल रहा हूं आपको, कुछ बच्चे हैं जो आते हैं और क्लास थोड़ा सा देखते हैं, स्किप करके चले जाते हैं। ऐसा ना करें बेटा, हम नए हैं अभी यूट्यूब पे, नया नया हम काम कर रहे हैं। ऑफलाइन में तो हम वेल रिनाउंड अपने इलाके में, हमने सोचा यूट्यूब के इलाके में भी आया जाए। इस चक्कर में हमने आपके साथ में जुड़े हैं, आपके साथ में एंट्री ली है। लेकिन उसमें क्या होगा, अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे, थोड़ा सा देख के स्किप कर जाते हैं, तो फिर ऐसा कहा जाता है कि यूट्यूब का ऑप्टिमाइजेशन जो है वो उस वीडियो को आगे रिकमेंडेशन में दूसरों को नहीं देता है। तो आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, हमारा भी नुकसान कर रहे हैं। इसी वजह से हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया था बेटा जी कि इस टॉपिक में हम ये कवर कराएंगे क्लास में। अगर आपके काम का है तो आप देखिए, वरना आप वीडियो मत देखिए। और देखते हैं तो प्लीज इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, पूरा वीडियो देखा करें। चलिए जी, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि एक कंपनी है जिसका टारगेट प्रोडक्शन जो इन्होंने सेट किया है, इन्होंने कहा है 5,000 यूनिट हमें बनानी है। तो इस कंपनी ने अपना टारगेट प्रोडक्शन सेट किया है कि इन्हें 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है एक साल में। तो एक साल में टारगेट रखा है इन्होंने 5,000 यूनिट्स का। बेटा जी आगे बोल रहे हैं, टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजमेंट हैज टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट। और उस टारगेट को पूरा करने के लिए मैनेजर ने दो शिफ्ट लगा दी। हमें टारगेट अचीव करना है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैनेजर साहब ने दो दो शिफ्ट लगा दी। मॉर्निंग शिफ्ट में भी काम चल रहा है, इवनिंग शिफ्ट में भी काम चल रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जी पावर फेलियर बहुत होता है हमारे इलाके में टाइम टू टाइम। इसीलिए काम को टाइम पे खत्म करने के लिए या अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हम डबल शिफ्ट में बुला रहे हैं। द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 5,000 यूनिट्स, लेकिन मैनेजर ने अपना जो उसने कहा था कि जो मैंने कमिटमेंट कर दी वो मैं पूरा करके रहूंगा, तो साहब उसने कमिटमेंट कि मैं 5,000 यूनिट्स बनाऊंगा पूरा कर दिया। लेकिन रोना ये हुआ जी, कॉस्ट आ गई ज्यादा। तो अब आपसे कह रहा है कमेंट करिए अपना सजेशन, क्या गड़बड़ी हुई, क्या सब कुछ ठीक है। तो क्या बोले थे सर, आप हमसे बोले थे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों का होना जरूरी है। इफेक्टिव का मतलब टाइम पे खत्म करने का है, टाइम बाउंड रहने का है, अपना टारगेट प्रोडक्शन अचीव करने का है। लेकिन इधर एफिशिएंट का मतलब था कम से कम कॉस्ट में, तो कॉस्ट तो ज्यादा लगा दिया, दैट मींस ये आदमी एफिशिएंट नहीं है। आंसर हमने आपके लिए लिख दिया है, आपको यही बातें लिखनी है, इसी तरीके से आंसर फ्रेम करना है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है वो इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी का है। इस में ऑर्गेनाइजेशन केवल एंड केवल टारगेट को एंड रिजल्ट को अचीव कर पाती है। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इफेक्टिव तो है, लेकिन उस टारगेट को अचीव करने में ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट खर्च कर दिया उन्होंने, इसलिए वो एफिशिएंट नहीं है। तो पहले तो ये क्वेश्चन के बारे में आप लिखोगे, लेकिन बेटा जी आपसे गलती क्या हो जाती है, यहां पर आप ये तो बता देते हैं और फिर आप कहते हैं कि नंबर पूरे नहीं आए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने आपसे पहले तो ये कहा है कि आप बताइए, कमेंट कीजिए, साथ में आपसे सजेशन भी मांगे हैं कि आप सजेशन भी दीजिए इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए। तो हम बोलेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन से जी दोनों जरूरी हैं, हमें इफेक्टिवनेस भी चाहिए और हमें एफिशिएंसी भी चाहिए, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो एक से काम नहीं चलेगा, हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो सर हमें यही बोलना है, इससे दोनों को अचीव करना है, यही इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और बेटा जो ये वाला पैराग्राफ है ये आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अपने नोट्स में कॉपी कर लेंगे कि मैनेजमेंट को गोल अचीव करने के लिए ये होता है, दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। आप एक बार इसको लिख लेंगे अपनी कॉपी में अच्छे से। टाइम का लिमिटेशन होता है, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है फिर आप पूरा देखते नहीं हो और स्किप कर करके भाग जाते हो। उन चीजों को ध्यान में रख के और बाकी आपको कुछ डिलीवरी कर पाए ज्यादा से ज्यादा, इसको दिमाग में रख के हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि चीजें आपके लिए कोटेड है अच्छे तरीके से। चलिए जी, अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो आपके सामने है। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ें और करते हैं अपने सवाल जवाब की शुरुआत। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। कह रहा है हीरो लिमिटेड ने टारगेट किया है जी इस बार 10,000 शर्ट बनानी है, बनाइए जी बनाइए, और 10,000 शर्ट हमें पर मंथ बनानी है। और क्या कोड डिसाइड किया है इन्होंने, इन्होंने कोड डिसाइड किया है 150 रुपये पर शर्ट, यानी कि 150 रुपये में 10,000 शर्ट इन्होंने पर शर्ट के हिसाब से डिसीजन लिया है। मींस 10,000 महीने में बनाएंगे इंटू 12 साल में बनाएंगे और एक शर्ट की कॉस्ट 150 की आएगी।
अब द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव दिस टारगेट एट अ कॉस्ट ऑफ द 160। लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर के पास जितना कुछ है उसके हिसाब से वो 160 रुपये में एक शर्ट बना पा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या प्रोडक्शन मैनेजर इफेक्टिव है या नहीं है? अपने सपोर्ट में आंसर करें। तो सर इफेक्टिव कब होता है? सर इफेक्टिव तब होता है जब टाइम पे काम खत्म कर ले। और एफिशिएंट कब होता है? जब जितनी कॉस्ट में बोला है उतनी ही कॉस्ट में खत्म कर ले। तो इसी पे हम आंसर करेंगे अपना, ठीक है जी। चलिए जी आगे देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। आ कंपनी टारगेट प्रोडक्शन इन 8,000 यूनिट इन अ कॉस्ट ऑफ द 150 रुपये। ये बेटा क्वेश्चन है, ये जर्नली क्वेश्चन जो आपके लिए यहाँ है ये होमवर्क में है। तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन को नाम दे देते हैं हम क्वेश्चन 1 और इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन 2। तो आप कमेंट में आंसर लिखेंगे कि किसमें इफेक्टिव है, किसमें एफिशिएंट है या किसमें दोनों है, ठीक है। कम से कम शब्दों में आप आंसर करेंगे जो हम यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अच्छा, ये होमवर्क इधर की स्लाइड से यहाँ आ गया, रिपीट हो गई ये स्लाइड। तो यहाँ पर ये होमवर्क है बेटा जी, आप घर से करेंगे। चलिए जी अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब बेटा जी हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस के बारे में। मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, मैनेजमेंट का करेक्टरिस्टिक्स क्या है। पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटा जी पेपर में आ चुका है लास्ट टाइम। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप भी बहुत ढंग से सुनेंगे, बहुत ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके लिए भी ऐसा अभी भी इम्पोर्टेंट है। ये ना समझे आ गया सर अब नहीं आएगा, ना ना ना, किसने बोल दिया नहीं आएगा बे, आ गया है फिर भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, और इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उसी ट्रिक से आप इसको बेटा जी याद करेंगे। तो बेटा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख के चलेंगे। इसकी एक ट्रिक है याद करने की, वो मैं आपको बता देता हूं। एक कोड बना देते हैं इसका, और उस कोड से आप इसको याद रखोगे। डायनामिक डायनामिक गर्ल्स ग्रुप यूजिंग माई इंस्टा कॉन्टिन्यूसली, ठीक। आप इसको इस ट्रिक से याद कर लेंगे, डायनामिक गर्ल्स ग्रुप यूजिंग माई इंस्टा कॉन्टिन्यूसली। डायनामिक लड़कियों का समूह मेरे इंस्टाग्राम पे टूट पड़ा है और वो उसको रेगुलरली यूज कर रहा है। अब यहाँ पे डायनामिक में डायनामिक बेटा जी ऐसा का ऐसा ही है, गर्ल्स मतलब जी की तरफ इशारा है, ग्रुप एक्टिविटी, देन जी फिर से इशारा है गोल ओरिएंटेशन या गोल ओरिएंटेड, यू का हमारा इशारा बेटा जी है यूनिवर्सल, या इसको दूसरे शब्दों में परवेसिव भी बोलते हैं। फिर इधर एम से हमारा मतलब है मल्टी डाइमेंशनल, आई से इंस्टा के आई से हमारा मतलब है बेटा जी इनटेंजेबल, और यहाँ कॉन्टिन्यूस के सी से हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से ही मतलब है। तो आप याद रखेंगे डायनामिक गर्ल्स ग्रुप यूजिंग माई इंस्टा कॉन्टिन्यूसली, इस तरीके से अब इसको याद कर लेंगे। तो बेटा जी अब बात करते हैं इनके मीनिंग के बारे में, कि अगर हमसे पूछेगा एक्सप्लेन करके दिखाइए तो आप किस तरीके से इसको लिख कर दिखाएंगे। तो चलिए जी सबसे पहले बात करते हैं डायनामिक फंक्शन की, कि किस तरीके से पेपर में आप डायनामिक फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे बच्चा। तो डायनामिक फंक्शन का मतलब, डायनामिक का मतलब होता है उस चीज से, उसको हम डायनामिक बोलते हैं बेटा जी जिसके फैक्टर कीप चेंजिंग, यानी कि जिस भी चीज के जो फैक्टर्स होते हैं अगर वो बदलते रहते हैं तो उसको डायनामिक बोलते हैं। जैसे आप गाना गाते थे ना, मौसम की तरह तुम भी, डायनामिक तो नहीं हो जाओगे, मतलब बदल तो नहीं जाओगे। तो डायनामिक का मतलब होता है बदलने से। तो गानों में भी इसका जिक्र हुआ है कि मौसम भी बदलता है तो तुम भी तो नहीं बदल जाओगे। तो मौसम हमारा डायनामिक है, इन्वायरमेंट इज वेरी डायनामिक, और उसी इन्वायरमेंट में हमारा बिजनेस है। तो सर जी जैसे जैसे मौसम बदलेगा, मौसम का मतलब जैसे जैसे बाजार में हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनका रंग बदलेगा, जैसे जैसे बाजार में डिमांड सप्लाई बदलेगी, जैसे जैसे बाजार में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन आएगी, उस स्थिति से निमटने के लिए मैनेजमेंट का भी तैयार रहना है। तो मैनेजमेंट में हमें याद रखना है उसका नेचर कैसा होता है, डायनामिक होना चाहिए मैनेजमेंट का नेचर। डायनामिक का मतलब मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन,
एंड हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, यानी कि जो जो एनवायरमेंट में चेंजिंग होते हैं वही वही चेंजेस मैनेजमेंट को भी अडेप्ट करने हैं, तभी मैनेजमेंट अच्छा माना जाएगा। अगर मैनेजमेंट में ये नेचर नहीं है तो फिर मैनेजमेंट पगलों का है सर, बदलने की जरूरत है। जैसे मैकडोनाल्ड टिक्की चाट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट, सर हमारे यहाँ तो चाट टिक्की बहुत खाते हैं, तो हमारी मार्केट के लिए मैकडोनाल्ड्स वाले ने टिक्की चाट वाला बर्गर बनाया है। सर बाकी लोगों के लिए वो तो पता नहीं बेटा क्या क्या सांप बिच्छू क्या क्या खा लेते हैं, तो उनके लिए वो वाला बनाएगा। तो अभी हम इंडियन मार्केट के हिसाब से बात कर रहे थे, तो डायनामिक का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं वो मैनेजमेंट को भी अडेप्ट करने होते हैं, वही मैनेजमेंट हमारा बेटा जी अच्छा माना जाता है। चलिए जी, दूसरा मैनेजमेंट एक कैसी प्रोसेस है बेटा जी, दूसरा है हमारा कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। दूसरी बात हम यहाँ बात कर रहे हैं बेटा जी, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, की मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है बच्चा जी। तो बेटा जी मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, हमें ये याद रखना है कि मैनेजमेंट एक कैसा प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो इस गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में हमारा टोटल एंड टोटल फोकस अपने गोल को अचीव करने पे रहता है। तो सर साथ में आपको ये भी ध्यान रखने हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स, जिस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल डिफरेंट होता है। जैसे अगर स्कूल है तो स्कूल का गोल क्या होगा कि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो अगर मैनेजमेंट स्कूल का है तो वो स्कूल के गोल के हिसाब से काम करेगा। सर जैसे मैनेजमेंट किसी ऐसी कंपनी का है जो मोबाइल फोन बनाती है, ट्रिंग ट्रिंग वाली कंपनी है, तो सर उनका बेस क्या है, सर उन्हें अपना कस्टमर बेस इंक्रीज करना है, ठीक, उन्हें देखना है ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाएं, ज्यादा बच्चे नहीं बेटा ज्यादा से ज्यादा हमारे ग्राहक जुड़ जाएं, और वो बेचारे एक दूसरे की खबर लेते रहें कि बाबू सोना ने खाना खाया या नहीं खाया, इस तरीके से वो बेचारे अपना बातचीत व्यवहार बढ़ाते रहें। तो ये वाला मैनेजमेंट इधर फोकस होगा, ये वाला मैनेजमेंट इधर फोकस होगा। तो सर जैसा ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा मैनेजमेंट उसी तरीके से उस गोल को अचीव करेगा। सर एफर्ट्स ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड टूवर्ड अचीविंग दीज गोल, बेशक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अलग अलग हैं, तो जैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें एम्प्लॉई अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में लग जाएगा। स्कूल वाले क्वालिटी एजुकेशन के गोल को अचीव करने में लग जाएगा, और फोन वाला मैनेजमेंट अपने कस्टमर बेस को इनक्रीज करने में लग जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, जो भी उसका गोल है सर, उस गोल को अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन लग जाएगी। चलिए जी आगे बात करते हैं, डायनामिक फंक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया था सर, गोल ओरिएंटेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था, अब बात करते हैं बेटा जी ग्रुप एक्टिविटी कि मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। अब इसके बारे में कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। सर मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी का मतलब इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी बेटा डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग इलाकों से आए हुए ये लोग हैं, लेकिन ये सब काम क्या कर रहे हैं, इनका काम एक ही है और इन्हें एक ही तरफ जाना है, जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन का गोल। तो सर सारे डिफरेंट इंडिविजुअल जिनकी डिफरेंट नीड्स हैं, हो सकता है एक आदमी हायर सैलरी को देख रहा हो, कोई प्रमोशन की तरफ देख रहा हो, या कोई जॉब में इसलिए आया हो कि वो लर्निंग करने आया हो, मतलब कहना ये चाह रहा है जो भी आदमी आपके यहाँ काम कर रहा है उसका कुछ ना कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होगा, वो किसी पर्सनल ऑब्जेक्टिव से आपके साथ जुड़ा हुआ होगा, लेकिन फिर भी उनका कॉमन गोल क्या है, उनका कॉमन गोल वो एज अ टीम काम करते हैं और उसी काम के लिए वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं,
ताकि ग्रुप एक्टिविटी में गोल अचीव हो जाए। सर ये वाला मान लेते हैं, ये जो दीदी यहाँ इस कंपनी में आई हैं ये चाहती हैं इनको हाई सैलरी मिले, ये जो भैया यहाँ कंपनी में दिखाई दे रहे हैं ये चाहते हैं इनका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो या इनकी सैलरी ज्यादा से ज्यादा हो, ये भी यही सोच रहे हैं। ये तीसरे वाला ये तो सर मजे के लिए आया है और कह रहा है मैं तो लर्निंग के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो तीनों अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लोग हैं लेकिन तीनों को मिलकर काम करना है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप एक्टिविटी है और ग्रुप एक्टिविटी का मतलब है कि जितने भी लोग हैं वो सारे उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव एक है। मीन्स अलग अलग पर्सनल ऑब्जेक्टिव वाले लोग एक साथ इकट्ठे होके ग्रुप बना के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए लगे हुए हैं। कहा जाता है टुगेदर वी कैन अचीव मोर, साथ मिलके हम ज्यादा अचीव कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट का नेचर यही है सर, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है और वहां पे हम ग्रुप गोल को अचीव करने की बात करते हैं। चलिए जी आगे आ जाते हैं बेटा जी। अब यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल या परवेसिव की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साहब, यूनिवर्सल और परवेसिव बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। यूनिवर्सल या परवेसिव, यूनिवर्सल यूनिवर्स जो चारों तरफ है जो जिससे आप घिरे हुए हैं, परवेसिव का मतलब भी वही होता है जिसकी जरूरत सबको है। सर मैनेजमेंट यत्र तत्र सर्वत्र है, सर सबको मैनेजमेंट की जरूरत है। ये मैकडी वाले जो लोग हैं जो लोगों को खाना खिला रहे हैं ना, इन्हें भी मैनेजमेंट की जरूरत है। सर ये जो स्कूल वाले लोग हैं ना इनको भी मैनेजमेंट की जरूरत है। सर ये जो कंपनी वाले लोग हैं ना, ये फोन वाले, इनको भी मैनेजमेंट की जरूरत है। और सर ये जो गूगल इतनी बड़ी कंपनी है ना, जिसको जिस गूगल बाबा दुनिया जिसको ढूंढती है, आज हमने उसको ढूंढ लिया सर गूगल बाबा को, सर गूगल बाबा को भी मैनेजमेंट की जरूरत है। तो ऑर्गेनाइजेशन चाहे गूगल बाबा जैसी विशाल हो या ऑर्गेनाइजेशन कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट की। इसलिए वो बोल रहे हैं मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, मैनेजमेंट परवेसिव है, यत्र तत्र सर्वत्र है, सबको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अकाउंट्स हवेली हो चाहे कोई और सा चैनल हो, सबको मैनेजमेंट की जरूरत है अगर सर्वाइव करना है। नहीं है मैनेजमेंट तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा साहब। मल्टी डाइमेंशनल, आप क्या समझ रहे हो मैनेजमेंट अकेला है क्या? ना ना, एक ही चीज पे ध्यान देता है क्या मैनेजमेंट? केवल गोल अचीव करना, गोल अचीव करना, गोल अचीव करना, यही है क्या? ना ना बेटा जी, मैनेजमेंट में हम काम को भी देखते हैं, मैनेजमेंट में हम वर्कर को भी देखते हैं, और जैसे ही दोनों मिलेंगे तो हमारा क्या पूरा हो जाएगा? ऑपरेशन। सर मैन एंड वर्क एंड वर्कर अगर मिलके काम करेंगे अच्छे तरीके से तो जो भी बिजनेस का ऑपरेशन होगा, जो भी बिजनेस की पूरी कंप्लीट प्रोसेस होगी वो आसानी से खत्म हो जाएगी। तो मल्टी डाइमेंशनल का मतलब केवल एक ही चीज पे ध्यान नहीं देता है मैनेजमेंट, एक से ज्यादा चीजों को ध्यान रखता है, जिसमें हमें मैनेजमेंट करना होता है वर्क का, जिसमें हमें मैनेजमेंट करना होता है वर्कर्स का, जिसमें हमें मैनेजमेंट करना होता है ऑपरेशन का। तो ये तीनों को मैनेज करता है, काम करने वाले को भी, काम को भी, और उसके पूरे प्रोसीजर को भी। काम करने वाला वर्क प्लस वर्कर बराबर ऑपरेशन, तो पूरी प्रोसेस को लास्ट तक ये देखता है। तो सर जी मैनेजमेंट में हम वर्क का मैनेजमेंट भी करते हैं, मैनेजमेंट में हम पीपल का मैनेजमेंट भी करते हैं, इसी को हमने यहाँ पे वर्कर बोला था मेरे बेटा जी, और मैनेजमेंट में हम ऑपरेशन का भी मैनेजमेंट करते हैं, तीनों का मैनेजमेंट यहाँ होता है।